नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर में ऑटो के उड़े पर खच्चे, दूल्हे के पिता समेत 5 बारातियों की मौके पर हुई मौत। विश्व रक्तदान दिवस को लेकर ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन, डीएम सहित जिले के वरीय अधिकारियों ने रक्तदान कर लोगों से आगे आने की अपील। शादी समारोह में जयमाल के दौरान गिरा छज्जा, 2 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। जमुई में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान का दिखा असर, शीर्ष नक्सली कमांडर ने पूरे गिरोह के साथ किया आत्मसमर्पण। और 28 जून को होगा मत्स्य जीवी सहयोग समिति का चुनाव, 15 से होगा नामांकन। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के नवगछिया झंडापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें NH 31 मडवा जनता दरबार ढावा के समीप सोमवार की देर रात हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृतक ऑटो पर सवार बाराती बताए जा रहे हैं, जो NH 31 पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गए, जिसके कारण 5 बारातियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार को पूर्णिया के रुपौली थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर पचीहट गोखली टोला के रहने वाले छठू मंडल के लड़के वरुण मंडल की शादी थी, और इसी शादी समारोह में शामिल होने 12 बाराती ऑटो से नारायणपुर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो में टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में मरने वालों में लड़के के पिता छठू मंडल के अलावा मंटू मंडल, पिंकू गजाधर मंडल समेत टेम्पो चालक गजेंद्र शाह शामिल है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया, जबकि ट्रक को जब्त कर लिया गया। हालांकि ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गया। इधर शादी के दिन हुई इस घटना से जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई, वहीं मृतकों के परिवार समेत पूरे गाँव में कोहराम मच गया। ये एक्सीडेंट जो है NH 31 स्थित जनता दरबार ढाबा के समक्ष हुआ है। बाराती जो है टेम्पो से जा रही थी, रुपौली से नारायणपुर की तरफ जा रही थी, और रास्ते में जाने के क्रम में एक ट्रक जो है अनियंत्रित होकर सामने से इधर का मार दिया, जिससे कि 5 व्यक्ति की मृत्यु स्पॉट पर ही हो गया। कौन गाड़ी था? गया ट्रक टेम्पो था, टेम्पो पर सवार थे और ट्रक वाले धक्का मार दिया। कौन कौन मरा है? मंटू मंडल और पिंकू मंडल और छठू मंडल और गजाधर मंडल और गजेंद्र शाह, 5 आदमी। कहाँ से कहाँ जा रहा था? गोखली टोला से नारायणपुर। किसका शादी होने वाला था? छठू लड़का का। नाम लड़का का? वरुण मंडल। नारायणपुर और बीहपुर के बीच में टेम्पो से था, ट्रक धक्का मारा, अनबैलेंस होके एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि 5 मरे, 6 घायल हुए। विश्व रक्तदाता दिवस को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने फीता काट कर किया। वहीं इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने जिलाधिकारी समेत अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया। वृहद रक्तदान शिविर में DM सुब्रत कुमार सेन, सदर SDO धनंजय कुमार नवगछिया, SDO CTSP स्वर्ण प्रभात समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी, पुलिसकर्मी, सामाजिक संगठन के सदस्य और स्वास्थ्य कर्मी के अलावा जिले विभिन्न जगहों से आए लोगों ने रक्तदान किया। इधर पूरे शिविर का जायजा लेने के बाद रक्तदान कर जिलाधिकारी ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, जिसका लाभ विषम परिस्थिति में जरूरतमंदों को मिलता है। DM ने कहा कि रक्त बनना एक स्वतः प्रक्रिया है और एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों और ब्लड बैंक की टीम जाँच कर ही किसी का रक्त संग्रहण करती है। वही सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा सुबह से ही DPM फैजान अशरफी और अस्पताल प्रबंधक जावेद मंसूर समेत डॉक्टरों और रक्त केंद्र कर्मी की मौजूदगी में शिविर का जायजा लेते दिखे, जबकि सफलतापूर्वक अधिक से अधिक लोगों द्वारा रक्तदान के पंजीकरण के लिए शिविर में 4 काउंटर भी बनाया गया था। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने कहा कि शिविर में 300 लोगों द्वारा ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि मंगलवार को शिविर में करीब 200 लोगों ने रक्तदान किया। हम लोगों ने आयोजन किया है, इसमें जितने सामाजिक संगठन, जो शहर के प्रबुद्ध जन है, जो आम जनता है, जितने पदाधिकारी कर्मी, पुलिस के पदाधिकारी,
पुलिसकर्मी सब लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। इस संबंध में एक वीसी का भी हम लोगों ने आयोजन किया था और सिविल सर्जन साहब ने भी बैठक की। तो 300 यूनिट जो है आज लक्ष्य रखा गया है संग्रहण का, तो उसी कड़ी में आज उद्घाटन का कार्यक्रम 10 बजे था जो हम लोगों ने किया और मेरे द्वारा रक्तदान भी किया गया। सभी लोगों से मेरी अपील है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा किस संख्या में आए और जो ये शिविर लगा है रक्तदान शिविर उसमें निश्चित रूप से रक्तदान करें, क्योंकि ये कई बार होता है कि कई विषम परिस्थिति में जो हम लोग डोनेट करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा फायदेमंद और कारगर सिद्ध होता है। लोगों को ये समझना चाहिए और सब लोग हम लोग जानते हैं कि एक स्वतः प्रक्रिया है, शरीर में अपने आप फिर उस ब्लड का पुनर्निर्माण हो जाता है। कलेक्ट करने का हम लोग गलत है और इसके बारे में ये हम तकरीबन एक सप्ताह से तैयारी की और हम लोग का कैपेसिटी भी है उतना हम रखेंगे। अगर बहुत उससे भी ज़्यादा होता है तो हम लोग JNMCH में उसको दे सकते हैं। तो ये आज सर से आज भर का ही है सर, ये आज का है, फिर 17 तारीख को एक संस्था कर रही है केवल आज ही। आज हम लोग का लक्ष्य है कि आज 300 करते हैं। वहीं विश्व रक्तदान दिवस को लेकर भागलपुर के ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर का उद्घाटन डॉक्टर महेश कुमार, हॉस्पिटल के बिजनेस हेड अमित कुमार, ब्लड बैंक संचालक अरुण झा और अन्य चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसको लेकर माइग्रेन अस्पताल के डॉक्टर महेश कुमार ने कहा कि रक्तदान करने से दूसरों को इसका लाभ मिलता है, जबकि ऐसा करने से स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं इसको लेकर अनुज झा ने बताया कि रक्तदान शिविर में अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मियों के अलावा भी कई लोगों ने रक्तदान किया है, जबकि आगे भी इस तरह का कैंप अस्पताल की ओर से लगाया जाएगा। औरंगाबाद सदर प्रखंड अंतर्गत नवगढ़ पंचायत हारीबारी गांव में बीती रात जयमाला कार्यक्रम के दौरान एक घर का छज्जा गिर जाने से 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि इस घटना से जयमाल समारोह के दौरान काफी अफरा तफरी मच गई। वहीं इसके बाद ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ घायलों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गया मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों में उर्मिला कुंवर, पुतुल देवी, रणधीर कुमार, शर्मिला देवी, किरण कुमारी, उषा सिंह एवं सरस्वती देवी शामिल है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि जयमाल की रस्म को देखने के लिए काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां घर की रेलिंग के पास छज्जे पर खड़ी थी, तभी अचानक छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा और कई लोग इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। हालांकि गनीमत रहे कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, जबकि काफी देर बाद हालत सामान्य होने पर वरमाला की रस्म पूरी की गई। नक्सलियों के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में जमुई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल नक्सलियों ने इस बार जमुई पुलिस से बिना किसी हथियार और गोलीबारी के ही आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया, जिसमें इलाके का आतंक का पर्याय बन चुके 3 कुख्यात नक्सलियों ने एक साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि 3 नक्सलियों के खिलाफ जमुई, लखीसराय और मुंगेर के अलग अलग थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं, जबकि पुलिस के समक्ष 3 ने अपना स्वचालित हथियार के साथ भारी मात्रा में जिंदा कारतूस भी समर्पित कर दिया और समाज की मुख्य धारा में जुड़कर कार्य करने का भी आश्वासन दिया। वहीं इसको लेकर सरकार के निर्देश पर पुलिस और CRPF के DIG ने पूर्व में इन 3 नक्सलियों को पकड़ने के लिए इनाम की भी घोषणा की थी। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल नागेश्वर कोड़ा पर 1,00,000 रुपये, जबकि बालेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा पर सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। इधर पुलिस उप महानिरीक्षक संजय कुमार और CRPF उप महानिरीक्षक विमल कुमार बिष्ट ने बताया कि जिस इलाके में उनका निवास है वहाँ CRPF कैंप का निर्माण कर दिया गया है, जिससे नक्सल गतिविधि पर काफी अंकुश लग गया है, जबकि CRPF के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच जीविकोपार्जन के लिए साधन भी मुहैया करवाया गया। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का कहना है कि उन्होंने लोकतंत्र और पुलिस पर विश्वास कर मुख्य धारा में आने का फैसला किया, लेकिन अब सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उनका मान रखा जाए और उन सबों को फांसी की सजा से बचाया जाए, जिससे वे सभी जीवित रहकर समाज को प्रेरित कर सके। धारा में जुड़ने के लिए आज जो 3 नक्सली अर्जुन कोड़ा, नागेश्वर कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा आत्मसमर्पण किए हैं, इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए। और इस पूरे अभियान में जो CRPF के पदाधिकारी हमारे CRPF के DIG साहब के नेतृत्व में काम किए हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको विदित है कि विगत 6 महीने के अंदर CRPF का कैंप चोरमारा, पैसरा, भीम बांध में स्थापित हुआ और लगातार इन नक्सलियों पर नज़र रखी जा रही थी। इसके फलस्वरूप 2 महत्वपूर्ण इनकाउंटर भी हुए, एक लखीसराय जिले में हुआ, कुछ ही दिनों पहले पिछले सप्ताह जमुई में भी हुआ है।
जिसमें महत्वपूर्ण नक्सली मारे गए हैं दोनों इनकाउंटर में, और लगातार दबिश पुलिस की सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बनी हुई थी, जिसके फलस्वरूप और कई सिविक एक्शन प्रोग्राम भी इस दौरान चलाए गए हैं, जिससे नक्सलियों को यह बात उनके परिवार वाले को हम लोग समझाने में सफल हुए हैं कि अब समय खत्म हो चुका है उनका, या तो आत्मसमर्पण करें नहीं तो पुलिस के गोली का शिकार हों, जिसका दो महत्वपूर्ण इनकाउंटर इसका उदाहरण रहा है। और इन्हीं सभी का ये परिणाम है कि आज ये सभी नक्सली समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए हम लोगों के समक्ष उपस्थित हुए और आत्मसमर्पण किए हैं। संविधान को महान तो आत्मसमर्पण कर दिए और संजीव भाई को कहने पर हम मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं, और संजीव जी को कहने को लिए जो उसको भी वर्तमान के मुख्यधारा में जोड़ गए हैं, और जो हमारे पर जो जितना केस है वो केस पर मेरा रहा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ लाकर चढ़ा दिए सुली में फांसी में चले जाए, ऐसा नहीं कीजिए। हम जब मुख्य धारा में जोड़ लिया गया तो हमको रहा जरूर चाहिए, ऐसे नहीं फूल के माला चढ़ा दिए आप खुश हो गए, ऐसा नहीं। जिस तरह के हम अपना परिवार से मिलजुल कर रहे, आप सभी मिलजुल कर सबों भाइयों से रह सके। नवगछिया में मत्स्य जीवी सहयोग समिति का चुनाव 28 जून को होगा, जिसके लिए एनआर कटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं इसको लेकर नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन 15 और 16 जून को होगा, जबकि नामांकन प्रचार की स्क्रूटनी 17 और 18 जून को होगी। वीडियो ने कहा कि 21 जून को नाम वापसी और प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा, जबकि मतदान 28 जून की सुबह 7 बजे से 4:30 बजे शाम तक होना है। इसके अलावा मतगणना को लेकर प्रखंड कॉलोनी मध्य विद्यालय में व्यवस्था की गई है, जो मतदान संपन्न होने के बाद 28 जून को ही होगी। मत्स्यजीवी का चुनाव में एक अध्यक्ष पद, एक मंत्री पक्ष के लिए पद के लिए और प्रबंध कार्यकारिणी समिति सदस्य का 11 सीट पर निर्वाचन होना है, जिसमें 6 अनारक्षित हैं, 5 महिला आरक्षित पद है, अध्यक्ष और मंत्री का पद अनारक्षित है। 15 जून 2022 को 15 और 16 को नामांकन है, 17 और 18 को समीक्षा है इसी जून माह में, और 21 तारीख को नाम वापसी और प्रतीक आवंटन है, 28 तारीख को चुनाव भी होना है और मतगणना भी हो जाना है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से भागलपुर समाहरणालय परिसर में अजीत सरकार के शहादत दिवस को लेकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, देश में चल रहे उग्र आंदोलन को बंद किए जाने, देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाने, राशन कार्ड पर गरीबों को अनाज देने समेत कई मांगों पर अपनी आवाज़ बुलंद की। वहीं पार्टी नेताओं ने कहा कि विकास कार्य, जल जीवन हरियाली और अतिक्रमण के नाम पर गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिस पर सरकार अविलंब रोक लगाए, जबकि विस्थापितों को उजाड़ने से पूर्व बसाने की व्यवस्था की जाए। मौके पर काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूरे बिहार में अमृतजी सरकार के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग बढ़ती महंगाई और बुलडोजर राज और जाके जल जीवन हरियाली के नाम पे जो गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, राशन कार्ड में गरीबों का नाम वंचित किया जा रहा है और नया राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा, कैंसिल किया जा रहा है, इसके खिलाफ 10 सूत्री मांग लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से तमाम अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ बिहार में धरना और प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं।
नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच पूर्व में हुई गोलीबारी की घटना मामले में दोनों पक्षों की ओर से नामजद प्राथमिकी मधुसूदनपुर थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर एक पक्ष के रामपुर खुर्द पंचायत की पूर्व उप सरपंच गुंजन कुमारी ने भीमकित्ता निवासी जदयू नेता कुणाल रत्न प्रिय को नामजद आरोपी बनाया था। वह इस मामले के अनुसंधान के बाद आरोप की सत्यता की जानकारी मिलने पर जिले के वरीय अधिकारियों के निर्देश वज्र पुलिस टीम ने नामजद आरोपी जदयू नेता कुणाल रत्न प्रिय को के घर से सोमवार को गिरफ्तार कर उसे मधुसूदनपुर थाने को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया। भागलपुर सुल्तानगंज के एके गोपाल कॉलेज प्रांगण में सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले बहुजन दावेदारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य नवीन यादव ने की, जबकि मन संचालन कोर कमेटी के सदस्य रामानंद पासवान ने किया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार सह लेखक सिद्धार्थ रामू, TMBU के प्रोफेसर विलक्षण रविदास, डिग्री कॉलेज के प्राचार्य उमेश प्रसाद और कोर कमेटी सदस्य गौतम प्रीतम ने संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि SC/ST को संविधान के अनुसार हर क्षेत्रों में आरक्षण नहीं मिल रहा है, जिसके लिए एकजुट होने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बहुजन दावेदारी की एकता बरकरार रहे इसके लिए विस्तार से अपनी बात रखी। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन सामाजिक न्याय आंदोलन के कार्यकर्ता शंकर विंद ने किया। 2014 से जो लगातार बहुजन समाज मतलब कि SC/ST OBC और माइनॉरिटी का जो अधिकार हनन किया जा रहा है, उसका जो अधिकार छीना जा रहा है, तो उस अधिकार को पाने के लिए और हम भीख नहीं मांगेंगे, हम दावेदारी पेश करेंगे। ये उद्देश्य है कि हम फिर से जो 2014 के पहले जिस तरह से संविधान के दायरे में बहुजन समाज को अपना हक और अधिकार धीरे धीरे ही सही मिल रहा था, वो 2014 के बाद पुनः राजतंत्र के तरह वो छीना जा रहा है। बांका के धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत शादपुर गांव के समीप घोगा पंचवारा SH84 पर बाइक सवार को बचाने के दौरान एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे स्कॉर्पियो पर सवार 6 महिला और एक पुरुष समेत 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में संजय यादव, सीमा देवी, लालमुनी देवी, हीरामणि देवी, प्रियंका यादव, अंशुप्रिया एवं मोनिका कुमारी शामिल है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए धोरैया अस्पताल पहुँचाया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सभी स्कॉर्पियो सवार घोगा थाना क्षेत्र के जानीडी गांव से पंचवारा होते हुए देवघर मंदिर पूजा करने जा रहे थे, तभी घोगा पंचवारा स्टेट हाईवे 84 पर स्कॉर्पियो चालक ने तेज रफ्तार बाइक सवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर में ऑटो के उड़े परखच्चे, दूल्हे के पिता समेत 5 बारातियों की मौके पर हुई मौत। विश्व रक्तदान दिवस को लेकर ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन, DM सहित जिले के वरीय अधिकारियों ने रक्तदान कर लोगों से आगे आने की अपील। शादी समारोह में जयमाल के दौरान गिरा छज्जा, 2 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। जमुई में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान का दिखा असर, शीर्ष नक्सली कमांडर ने पूरे गिरोह के साथ किया आत्मसमर्पण। और 28 जून को होगा मत्स्य जीवी सहयोग समिति का चुनाव, 15 से होगा नामांकन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।